जया किशोरी जिनकी शादी और उनके पति के बारे में लोग इंटरनेट पर बहुत सर्च करते हैं, जया किशोरी काफी प्रसिद्ध कथावाचक हैं। लोग इनकी खूबसूरती के भी कायल हैं, लेकिन इनके शब्दों का असर लोगों पर पानी की तरह होता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये साधु संत हैं और शादी नहीं करेंगे, लेकिन जया किशोरी का मैरिज प्लान भी उन्हीं की तरह है। वे शादी भी करना चाहती हैं और बाकी महिलाओं की तरह माँ भी बनना चाहती है, क्योंकि माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जैसा वे चाहती हैं अगर वैसा हुआ तो, अपने प्रवचन में वो हमेशा शादी और रिश्तों की अहमियत को शामिल करने वाली जया किशोरी का कहना है कि वो इंसान जो सिर्फ मेरी अच्छाइयों से नहीं बल्कि मेरी बुराइयों से भी प्यार करे और उसे ठीक करने की कोशिश करे, वही मेरा जीवन साथी बन सकता है। बस कोई ऐसा मिलना चाहिए तभी मैं शादी कर सकती हूँ। हालांकि जया किशोरी शादी के बाद भी प्रवचन जारी रखेंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को अपनी ज़िंदगी में उनके हिसाब से स्थान देते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो उन्हें बुरा महसूस होता है, गुस्सा आता है। जया किशोरी की शादी की खबर ऐसे लोगों के लिए भी यही विषय है। ऐसे लोग जया किशोरी को शायद शादी के बंधन में देखना पसंद ना करें, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। शादी जैसे फैसले के बारे में जया किशोरी का कहना है कि जो व्यक्ति ये फैसला जल्दीबाजी में लेता है उसका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाता। रिश्ता टूटने का प्रमुख कारण यही है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जया किशोरी का मानना है कि शादी का फैसला सिर्फ दिल से दिल तक नहीं बल्कि दिमाग से भी लेना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ शादी ही नहीं, आपको बता दें कि माँ बनने को लेकर भी जया किशोरी ने बात की। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वो शादी भी करना चाहती हैं और वो माँ भी बनना चाहती हैं, क्योंकि माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन लाइफ से, सुरभि की रिपोर्ट।